नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नींबू का खट्टा मीठा चटपटा अचार, जो हमारे हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और टेस्टी तो है ही है और पौष्टिक भी है। तो देखिए ये कितना टेस्टी बना है, बिल्कुल से गल गया है ये और मुँह में डालेंगे तो घुल जाएगा, ऐसा टेस्टी अचार है। तो इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पर 1 kg नींबू, अच्छा पका पीला नींबू ली हूँ पतले छिलके वाले, और इसे अच्छे से धो के पोंछ के सुखा ली हूँ। उसके बाद मैं इसे काट ली हूँ 8 पीस में, और इसका बीज निकाल के हल्के हाथों से दबा के इसका जूस निकाल दी हूँ मैं। जूस को छान के वापस से मैं इसमें फिर डालूँगी। उसके लिए मैं एक जार ली हूँ, अच्छा सूखा जार है। इसी जार में मैं अच्छे से डाल दी हूँ इस नींबू को, और उसमें मैं डाल दी थी 200 ग्राम नमक, 1 चम्मच हल्दी, और जो जूस निकाला था वो जूस मैं वापस से इसमें डाल दी थी। और डाल के मैं 4-5 दिन इसे रखी हूँ डब्बे बंद करके, बीच में 1-2 दिन मैं धूप लगाई हूँ 1-2 घंटे के लिए। बस इतना ही में ये गल गया है अच्छे से। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना अच्छा टेस्टी दिख रहा है, अच्छा सा कलर भी आ रहा है इसका। तो ये इस टाइम नीमकी की तरह तैयार है। मिथिला में इसे नीमकी की तरह भी खाते हैं लोग, जो हमारे हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हमारे मुंह का जायका भी बहुत अच्छा कर देता है। तो ये सादा नींबू का जो नीमकी है ये भी आप बना के ज़रूर रखें, इसे भी खा के देखें, बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए कितना अच्छा गल गया है ये, बिल्कुल आपको पता लग रहा होगा ये पक चुका है। तो इसे अब दोबारा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे खट्टा मीठा बनाने के लिए मैं इसमें कुछ मसाले और जो चीनी और गुड़ है ये मिक्स करूँगी। इसे कैसे मिक्स करना है ये हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं ली हूँ अजवाइन, 2 चम्मच करीब अजवाइन है, उसमें थोड़े आधी चम्मच कलौंजी भी है, 2 चम्मच काला नमक है, और ये 2 चम्मच गरम मसाला है, और ये अचार का मसाला है 2 चम्मच, और 2 चम्मच हल्दी है, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च में 1 चम्मच तीखी है और 1 चम्मच कलर वाली है, और ये गुड़ है 200 ग्राम गुड़, और यहाँ पे चीनी है 2 बाउल चीनी मैं ली हूँ, जो 800 ग्राम करीब है, 700-800 ग्राम करीब है चीनी। इतना में ये अच्छा खट्टा मीठा बनेगा। और ये हींग है 1/2 स्पून, मैं हींग यहाँ पर लूँगी टी स्पून से। तो बस ये मसाले हैं, यही बेसिक। और अचार का मसाला के लिए आप देख सकते हैं, आगे मैं लिख दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन में। अचार के मसाले बेसिक मसाले हैं, वो जो होता है सौंफ, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच पीला सरसों, बस यही है। और यहाँ मैं कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें मैं पानी डालूँगी। पानी मैं बिल्कुल माप ली हूँ, 5-6 स्पून है, आप इसमें देख सकते हैं 100-150 ml के करीब है। उसमें मैं बस गैस ऑन की हूँ, उसके बाद इसमें मैं गुड़ डाल दी हूँ, पानी में गुड़ डाली हूँ, थोड़ा पिघलेगा। उसके बाद मैं चीनी डाली हूँ, चीनी इसमें मैं पूरा डाल दूँगी साथ में, गुड़ के साथ ही चीनी, दोनों एक साथ अच्छे से पिघलेगा। अभी गैस मीडियम है, ये ज़्यादा हाई नहीं है, बस धीरे धीरे ये पकेगा। देखिए मीडियम गैस में ये थोड़ा 5-7 मिनट पकेगा, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट में ही ये थोड़ा अच्छे से घुल जाएगा, हल्का सा पक भी जाएगा और थोड़ा उबाल आना शुरू होगा इसमें। तो इसी टाइम मैं ये सारे मसाले जो आपको दिखाई थी वो मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बस इसे देखिए ये पक रहा है, मीडियम गैस में ही ये थोड़ा पकने लगेगा, थोड़ा खोलना शुरू हो गया है। तब तक मैं ये 2-3 नींबू और जूस निकाल के रख लूँगी। ये नींबू इसलिए है जूस इसका, क्योंकि इसमें जो ये बाद में हम नींबू इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद ये बाद में जमना शुरू हो जाते हैं, तो अचार बाद में बिल्कुल सूखा सा ड्राई सा होने लगता है। और नींबू का जूस यदि आप ऊपर से इसमें डाल लेंगे थोड़ा, तो ये बिल्कुल भी जमेगा नहीं, सब दिन ऐसा ही टेक्स्चर का अचार बना हुआ रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ नींबू निचोड़ के मैं कटोरी में 2-3 नींबू को निचोड़ ली हूँ, मुश्किल से इसमें 3-4 स्पून होगा टीस्पून, और इतना ही इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो बस ये तब तक पक रहा है, 5-7 मिनट वो पकेगा, तब तक मैं इधर नींबू निचोड़ के रख ली हूँ। मसाले के लिए कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं
कुछ विशेष मसाले इसमें नहीं ली हूँ। गरम मसाले में 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच काली मिर्च को रोस्ट करके, उसमें 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 बड़ी इलायची का छिलका उतार के उसका दाने के साथ मैं रोस्ट कर ली हूँ। बस वही पाउडर मैं इसमें डाली। हम 7 मिनट हो गया है यहाँ पे, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मसाले, ये जो अचार का मसाला है वो मैं इसमें हल्का भून के और पाउडर बना के रखी थी दरदरा, बस वो डाल दी हूँ। अब इसमें हल्दी डाल रही हूँ मैं, हल्दी 2 चम्मच है, इससे बहुत बढ़िया कलर भी दिखेगा और सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और ये लाल मिर्ची है 1 चम्मच, तो तीखा वाला है जो चटपटा बनाएगा, और 1 चम्मच कलर के लिए है, वो भी अच्छा कलर बना के रखेगा इसका, बाद में भी एक काला नहीं पड़ेगा। तो ये है गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ही 3-4 चीज़ों से बना है ये। इसमें गरम मसाले में मैं 2 बड़ी इलायची, ये काला नमक है देखिए, 2 बड़ी इलायची, और उसमें 1 टुकड़ा दालचीनी है 1 इंच का, और 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, जीरा है, मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर ली थी और हल्का रोस्ट करके और भून के फिर इसमें मैं इसका पाउडर डाली हूँ, जो इसका खुशबू और स्वाद भी बढ़ाएगा और खुशबू तो होगा ही। तो बस इसी टाइम ये जो है अजवाइन, अजवाइन और कलौंजी, कलौंजी थोड़ा सा है 1/2 टीस्पून और अजवाइन 1.5-2 चम्मच के करीब है, ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें स्वाद तो बढ़ाएगा ही और हाजमे के लिए भी अच्छा होगा। और साथ में डालेंगे हींग, हींग यहाँ पे मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ छोटा वाला चम्मच से, ये भी बहुत अच्छा इसमें स्वाद देगा और पौष्टिक भी होगा। तो बस इसी टाइम मैं इसमें नींबू का जूस डाल दूँगी, ये अब पक चुका है, तो इसमें मसाला जो मैं डाली उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट ऐसे हम मैश करेंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें डालूंगी जो पका हुआ नींबू है पहले से, जो आपको नीमकी मैं बता रही थी, बस यही नींबू मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। बस हो गया, यही है नींबू का खट्टा मीठा चटपटा अचार। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना करके देखें, इस तरह से बहुत ही स्वाद आएगा और टेस्टी भी होगा ही और सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इसे पूरी, पराठे, नाश्ते में खाने के बाद किसी भी टाइम आप कैसे भी अपने हिसाब से इसे खा सकते हैं, सालों साल तक ये ख़राब नहीं होने वाला है। जितना ये पुराना होते जाएगा उतना ही इसका जायका और बढ़ते जाएगा और भी टेस्टी होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है ना ये टेस्टी, कितना टेस्टी बना है, तो इसे आप देख सकते हैं, मैं इसमें बॉल में निकाल के दिखाई थी और बस हो गया है ये। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब थोड़ा ठंडा हो जाइए तब मैं उसी सेम जार में इसे वापस से रख लूँगी। ये प्लास्टिक का जार है लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, इसमें ख़राब नहीं होते हैं अचार। आप अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का जो जार है उसमें भी आप अचार डाल के रख सकते हैं, इतना ख़राब नहीं होता है। तो बस ये देखिए मैं इसमें डाल के रख दे रही हूँ अचार को, आप भी इसे डाल के इसमें अपना खाएं और रखें और देखिए कितना स्वादिष्ट बन गया है। तो हमारी ये रेसिपी आपको यदि पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी रेसिपी कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ,